आपने बंदूक को क्यों छोड़ा और राजनीति में क्यों आए? जो गैंगवार था, गैंगस्टर्स थे, ऑर्गेनाइज क्राइम था, टेररिस्ट थे, ड्रग ट्रैफिकर्स थे, उन सभी का मैंने मुकाबला किया। शिवसेना चुनने की वजह क्या रही है, क्योंकि और भी सामने पार्टियां रही हैं? 36 साल मैंने जो मेरी सर्विस की है वो मुंबई में रहकर ही की है। सर देखा गया अभी कुछ दिन पहले जो है चोर की पुलिस जो है बस स्टॉप पर लगाई गई थी, इसका मतलब क्या? ये कई सालों से हितेंद्र ठाकुर का इस इलाके से मतलब एक वर्चस्व रहा है, और ऐसे में आपका वर्चस्व कैसा आप मतलब बना पाएंगे यहाँ पर? सर आप इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं और जो है काफ़ी लोगों को मतलब 113 लोगों की इनकाउंटर भी किया है, लेकिन अब आप जो है राजनीति में आए हैं, तो अब राजनीति में जो है नेताओं को किस तरह से इनकाउंटर करेंगे? जो राजनीतिक दहशतवाद है उसका इनकाउंटर में जरूर करूँगा। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आज हमारे साथ जो है प्रदीप शर्मा साहब मौजूद हैं, जो मुंबई पुलिस के दबंग पुलिस अफसर प्रदीप शर्मा साहब, जो अब राजनीति में जो है कदम रख चुके हैं, राजनेता बन चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे जो है। आज हम आपको बता दें, प्रदीप शर्मा वो नाम है जिसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे आरोपियों के होश उड़ जाते हैं, और यही नहीं इकबाल कासकर जैसे कई ऐसे शातिर अपराधी को धर दबोचा है, और धर दबोचा ही नहीं उन्हें जेल तक पहुंचा चुके हैं। और अब 113, हालांकि ये भी हम आपको बता दें 113 इनकाउंटर भी कर चुके हैं, अब वो शिवसेना में शामिल हो गए हैं, यानी शिवसेना का दामन थाम चुके हैं, और नाला सुपारा से वो चुनाव के लिए उम्मीदवार हैं। और हम सबसे पहले उनसे बात करेंगे जो है पुलिस की नौकरी क्यों छोड़ा, इस पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन जो राजनीति में कदम रखा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। शर्मा साहब बहुत बहुत बधाई हो, आप जो है प्रहार टाइम्स में हमारे जो है बात करने के लिए आज मौजूद हैं हमारे साथ। सबसे पहले आप ये बताइए, आपने बंदूक को क्यों छोड़ा और राजनीति में क्यों आए? पिछले 4-5 साल से मैं और मेरे कुछ साथी PS फाउंडेशन नामक एक संस्था चला रहे थे, उसके थ्रू हम लोगों से मिल रहे थे, उनके प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। पुलिस डिपार्टमेंट में 36 साल मैंने काम किया, लोगों की सेवा की। जो गैंगवार था, गैंगस्टर्स थे, ऑर्गेनाइज क्राइम था, टेररिस्ट थे, ड्रग ट्रैफिकर्स थे, उन सभी का मैंने मुकाबला किया, मुंबई की जनता को राहत दिलाने की कोशिश की। 7-8 महीने मेरे बाकी थे। इसी बीच मुझे माननीय उद्धव साहब ने बुलाया और पूछा कि तुम हमारी पार्टी ज्वाइन करो। तो मैंने सोचा कि अगर शिवसेना ज्वाइन करता हूँ तो मुझे एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा सोशल वर्क करने का, सोशल सर्विस करने का, तो मैं शिवसेना ज्वाइन कर लिया। तो शिवसेना चुनने की वजह क्या रही है, क्योंकि और भी सामने पार्टियाँ रही हैं आपके? 36 साल मैंने जो मेरी सर्विस की है वो मुंबई में रहकर ही की है, तो मेरे शिवसेना के जो लीडर्स हैं सभी से बहुत ही नज़दीकी ताल्लुकात रहे हैं। माननीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, कुछ भी प्रॉब्लम होता था मैं उनकी शरण में जाता था, वो मुझे हमेशा उन्होंने हेल्प की थी। पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव ठाकरे सर, उनसे भी मेरे बहुत ही अच्छे व्यक्तिगत संबंध हैं। मेरी लड़की की शादी हुई थी तो उसमें भी वो शरीक हुए थे आशीर्वाद देने। एकनाथ शिंदे सर हैं, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की है मेरी लाइफ में, तो इन लोगों को मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। तो इनके प्यार की वजह से, आत्मीयता की वजह से, इनसे नज़दीकियों की वजह से मैंने शिवसेना ज्वाइन की। सर देखा गया अभी कुछ दिन पहले जो है चोर की पुलिस जो है बस स्टॉप पर लगाई गई थी, इसका मकसद मतलब क्या? मैंने भी बोर्ड्स देखे हैं चोर की पुलिस, तो मेरा यही कहना है कि मैं तो पुलिस हूँ, अब चोर कौन है आप लोग तलाशो। सर एक बात और बताइए, कई सालों से हितेंद्र ठाकुर का इस इलाके से मतलब एक वर्चस्व रहा है, और ऐसे में आपका वर्चस्व कैसा आप मतलब बना पाएंगे यहाँ पर? जो यहाँ वर्चस्व है राजनीतिक दहशत का वर्चस्व है, यहाँ की जनता जो मूलभूत सुविधाओं की हकदार है वो भी उनको मुहैया नहीं कराई जाती है।
यहाँ की जनता, यहाँ जो शासन करते हैं उनके खिलाफ कुछ भी बोल नहीं पाती है। सर ये सब चीज़ें देखकर आप जो है यहाँ पर, मुझे उद्धव साहब ने यहाँ भेजा और कहा कि प्रदीप यहाँ जो जनता की परेशानी है वो सब दूर करना तुम्हारा काम है, एक नया नाला सुपारा बनाना है, नया विरार बनाना है, तुम वहाँ जाओ, पहले इनको घर पे बैठाओ और डेवलपमेंट का काम करो। सर आप देखा गया कि आप अंधेरी में रहते हैं और जो है अंधेरी से टिकट ना लेते हुए आप नाला सुपारा से चुना। टिकट की मांग मैंने नहीं की है, मैंने शिवसेना में प्रवेश किया, उद्धव जी ने मुझे ऑर्डर्स दिए कि तुम वहाँ जाओ और वहाँ की जनता को सांत्वना दो, वहाँ डेवलपमेंट का काम करो, इसके लिए मैं आया हूँ, अगर मुझे टिकट देते हैं तो मैं यहाँ से लड़ूँगा। सर आप इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं और जो है काफ़ी लोगों को, मतलब 113 लोगों की इनकाउंटर भी किया है, लेकिन अब आप जो है राजनीति में आए हैं, तो अब राजनीति में जो है नेताओं को किस तरह से इनकाउंटर करेंगे? जो राजनीतिक दहशतवाद है उसका इनकाउंटर मैं ज़रूर करूँगा। यहाँ जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जनता को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उनके घर में पानी घुस जाता है, वो भी गटर का पानी घुस जाता है, एक घंटे बारिश हुई तो यहाँ की सड़कें गायब हो जाती हैं। म्यूनसिपालिटी में खाली इतने बड़े शहर में 30 बेड का हॉस्पिटल है, यहाँ कोई भी MBBS डॉक्टर नहीं है। अच्छे अच्छे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स यहाँ लाने की कोशिश करूँगा। एजुकेशन में एक ही कॉलेज है, बाकी किसी को यहाँ कॉलेज बनाने नहीं देते हैं, इतनी दहशत है। अलग अलग संस्थाओं को यहाँ लाने की कोशिश करूँगा, जो पब्लिक परेशान है उनको सांत्वना दिलाऊँगा, जो भी मैं कर सकता हूँ यहाँ की जनता के लिए वो सभी करूँगा। पिछले 2-3 हफ्तों से आप जो है नाला सुपारा में, विधानसभा में, आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, ऐसे में लोगों की क्या समस्या आपके सामने नज़र आई? जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, बेसिक ज़रूरतें हैं, वो यहाँ के लोगों को नहीं मिल रही हैं। लोगों का समर्थन किस तरह से? 90% लोग यहाँ बदल जाते हैं। लोगों की आंखों में मैं देखता हूँ कि यहाँ जो रूलिंग पार्टी हैं, जो रूलिंग यहाँ के सत्ताधीश हैं, जो म्यूनसिपालिटी चलाते हैं, MLA हैं यहाँ के, उनसे परेशान हैं, उनके विरुद्ध उनका आक्रोश वोटिंग के दिन EVM मशीन में नज़र आएगा आपको। सर आपका जो है चुनावी मुद्दा क्या होगा और ख़ास करके किस पर आप फोकस करेंगे? मेरा चुनावी मुद्दा होगा डेवलपमेंट। यहाँ बिल्कुल 30 साल से कोई डेवलपमेंट नहीं है, मैं यहाँ आके जनता को उनका हक दिलाऊंगा। जो टैक्स भरते हैं, तो जो यहाँ की म्यूनसिपालिटी का, यहाँ के जो सत्ताधीश हैं उनका जो कर्तव्य है वो भूल चुके हैं, वो सब बातें मैं जनता के लिए करूँगा। आप चुनाव की जो है मतलब तैयारी में, आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको जो है किस तरह से मतलब लोगों का सहयोग मिल रहा है और आप किस तरह से मतलब जीत दर्ज कराएंगे? ये तो आप 24 तारीख को देखोगे कि किस तरह जनता ने 30 साल का जो कुशासन है उसको खदेड़ा है और एक नया चेहरा, एक नए इंसान को, एक नई पार्टी को मौका दिया है। सर एक बात और ये बताइए कि नाला सुपारा वासियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नाला सुपारा वासियों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि 30 साल तक जो आप लोग गलती करते आए हैं, आने वाली 21 तारीख को वो गलती ना करें। आपके दिल में, आपकी आंख में जो आक्रोश है वो EVM में जाके व्यक्त करें। हर आदमी यहाँ बदल चाहता है, किसी के भी बहकावे में ना आते हुए बदल जरूर लाएं। सर मान लीजिए आप चुनाव जीत जाते हैं, तो ये जो नाला सुपारा जो विधानसभा क्षेत्र है उन इलाकों में मतलब किस तरह से जो है लोगों का विकास करेंगे आप? मुझे यहाँ भेजा गया है हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव सर ने, उन्होंने कहा है कि जाके नया नाला सुपारा, नया विरार, नया वसई बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ जो भी कुछ हो सकेगा मेरे से वो सब करूँगा। हमारी पार्टी यहाँ सब कुछ करेगी, उनका मुझे पूरा समर्थन है, उनका साथ है, यहाँ विकास, नया नाला सुपारा जरूर बनाएंगे हम। सर आप इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं और जो है
आरोपी तो आपसे घबराते हैं, जो है जो क्रिमिनल है वो आपसे घबराते हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जो आम जनता है कहीं ना कहीं वो भी दहशत में रहती, तो ऐसे में उनको किस तरह से आप जो है मतलब समझाएंगे? क्रिमिनल्स डरते हैं, यहाँ जनता है वो इतनी प्रसन्न है कि 30 साल से जो उन पे जुल्म ढाए जा रहे थे, जो दहशतवाद दिखाया जा रहा था, डेवलपमेंट के नाम पे जीरो था, बेसिक एमिनिटीज उनको नहीं दी जा रही थी, तो मेरे आने से उनका जो डर है या रूलिंग जो लोग हैं उनके बारे में, वो डर निकल चुका है कम्प्लीटली। आप यहाँ का मंजर देख ही रहे हो, कैसा मंजर है कि कितने लोग आ रहे हैं, मैं तो किसी को जानता नहीं, सामने से अप्रोच होकर लोग आ रहे हैं और मुझे यहाँ आने के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं, सर आपने बहुत अच्छा काम किया है यहाँ आके, हम सभी आपके यहाँ आने से बहुत खुश हैं, हमको दहशत से मुक्ति मिलेगी, ऐसी उनकी भावना है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप शर्मा साहब। जो है ये थे प्रदीप शर्मा साहब जो आज हमें बता रहे थे, प्रहार टाइम्स को बता रहे थे कि अगर चुनाव जीतते हैं तो नाला सुपारा को जो है काफ़ी एक अच्छा विकास के तरफ लेके जाएंगे, और भी बहुत सारी उन्होंने बातें बताई है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।